हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग अच्छे होंगे। हम भी सब अच्छे हैं। सब आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। आपने हमारे जो पुराने वीडियोस हैं उनको लाइक किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। आज मैं आपको एक वीडियो लाई हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा बैड एक्सपीरियंस जो रहा है उससे रिलेटेड एक वीडियो है जो आपके लिए बैड ना बने। बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। ये मैंने अपना किचन जो नया बनाया था करीबन 2 साल पहले, तो हमने ये गैस स्टोव लगवाया था। ये हेफले का नागोल्ड है, तो इसमें 6 महीने में ही हमें प्रॉब्लम देखने को मिलने लगी। वो प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम थी इनका गैस स्टोव का बर्नर प्रॉब्लम देने लगा। जैसे अब ये देखिए, जब अपन ये बाजार से नया लाते हैं तो ये बिल्कुल फिक्स फिक्स रहता है, बट ये फिर बाद में 6 महीने के बाद जैसे जैसे हम इसको यूज करते हैं तो वैसे वैसे फ्लेम के जरिए ये श्रिंक होने लग जाता है और ये इस तरह से लूज हो जाता है, जिससे क्या होता है, फ्लेम ऊपर से ना के इसके चारों तरफ से फैलने लगती है। और जब ये फ्लेम जब हमारी फैलने लगती है तो उससे इसके अंदर भी, आप ये देखिए कि इसके अंदर कितना ये डस्ट बैठ जाती है जो इसका है, और हमारा ये जो बर्तन है ये भी हमारा ये इस तरह से काला करने लग जाती है। तो मैंने फिर इसके जो सर्विस सेंटर है हमारा हैपनी वाला, उसको मैंने बुलाया, तो उनसे भैया आए थे, बंदा आया था, तो उसने बोला कि इन जो ये इस टाइप की जो गैसेस होती है जिनमें ये एल्युमिनियम के जो बर्नर्स होते हैं ये प्रॉब्लम देते ही हैं। तब उसने मुझे बताया था तो मैंने चेंज कर लिया। अभी मेरे पास पुराने बर्नर भी हैं, उसके बाद ये नए बर्नर भी है। अभी नए बर्नर भी वही सेम प्रॉब्लम देने लगे हैं जो ये हमारे थे। इनमें भी यही सेम प्रॉब्लम थी, ये सब ब्लैक ब्लैक, सब हमारे हाथ काले, सब प्रॉब्लम होने लग जाती थी। तो यही मेरा मोटो है आप लोगों को बताने का कि अगर आप इस टाइप की भी गैस स्टोव लेना चाह रहे हैं या आपके कोई और लेना चाह रहा है तो उसको मेरा सजेशन है कि इस टाइप की ना लें, क्योंकि वो मेरे को ये बता के गया कि था कि आप इस टाइप का कभी भी लेंगे जो एल्युमिनियम और ये जब साथ रहता है तो ये आपको श्रिंक हो ही जाता है, और इस टाइप की गैसेस में ये प्रॉब्लम आती है। जो हमारे पुराने गैसेस में जो होते थे, गैस स्टोव में जो होते थे ब्रास के बर्नर, वही सही रहते हैं। आप उसी टाइप की जो अपना गैस स्टोव है उसका चूज कीजिएगा, चाहे वो आपका टेबल टॉप हो या आपका इस स्लैब फुल पर रखने वाले हो, गैस स्टोव हो, कोई भी हो, बट इस टाइप का आप ना लीजिएगा, क्योंकि आप जैसे हमें परेशानी हो रही है वैसे ही आपको आगे होगी। डेफिनेटली है ही है कि ये होनी ही है, क्योंकि इस टाइप का मैंने और भी लोगों का सुना था। अब मैं आपको ये ऑन करके भी दिखाती हूँ कि ये देखिए किस टाइप की फ्लेम फैलती है। देखिए मैं आपको ये जलाकर दिखाती हूँ, आपको ये फ्लेम दिखेगी सब चारों तरफ से निकलती हुई, कहीं की कहीं जाती है, और यही हमारे सारे बर्तन काले कर देती है। अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस आप बर्नर खरीदते जाएं और ये चलती जाएगी तब तो ठीक है, नहीं तो ये जितने भी आप बर्नर खरीदेंगे 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में, उससे ज्यादा कोई भी नया बर्नर नहीं चलता है। तो वही मेरा सजेशन है आप सब लोगों को, और वही मेरी आप लोगों से बोलती हूँ कि आप इस टाइप की अगर गैस लेना चाह रहे हो तो ना लें, क्योंकि हम लोग तो ले चुके हैं तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैं वैसे भी इसको चेंज ही करने वाली हूँ, क्योंकि अब मैं कहाँ तक ये बर्नर खरीदूंगी। तो वही मेरी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को कि आप लोग इस टाइप का, क्योंकि ये भी देखिए ये बड़ा बर्नर भी है, ये भी गैप छोड़ना शुरू कर दिया है, इसमें से भी फ्लेम ऊपर से ना के चारों तरफ से हमारे बर्तनों पे लगती है और हमारे बर्तन काले भी हो जाते हैं। तो आप लोग जब भी खरीदें इस टाइप की गैस प्लीज देख कर लें, क्योंकि शॉपकीपर्स कोई भी है वो हमें इन सब चीजों के बारे में नहीं बताता है, ये सब हमें रिव्यू से या एक दूसरे से ही पता चलता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, इन बर्नर्स को आप पानी से भी नहीं वॉश कर सकते हैं, क्योंकि अपना किचन है, किचन में कुछ ना कुछ गिरता ही है। जब भी अपन खाना बनाते हैं अपन सब लोग, तो उनको फिर कैसा वॉश किया जाए, तो इनको पानी से भी वॉश नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लें तो इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। थैंक यू।